दूसरे देश में यदि आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसका आप एक्सपोर्ट इनवॉइस का ईवे बिल आपको किस प्रकार बताना, मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा। आपको टेलीग्राम आ जाना, एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक्सपोर्ट इनवॉइस का सेल बिल है, ठीक है। अब इसी का हमें ईवे बिल बनाना है, आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ आपको टाइप करना है ईवे बिल। पहला वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है ईवे बिल सिस्टम पर और यूज़र आई डी डाल के आपको लॉगिन कर लेना है अपना ईवे बिल पोर्टल को। अब यहाँ पर आपको ईवे बिल पर क्लिक कर देना है और देन जनरेट न्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको समझना है, अदर देश में आप यदि आप गुड्स सेल करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस का ईवे बिल आपको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ आपको साइड में आउटवर्ड रहेगा, आप यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई रहेगा, एग्जम्प्ट गुड्स सेल कर रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अपने अकाउंट ऑफ बुक्स टेली में देख लीजिएगा क्या बिल नंबर है, अपने हिसाब से फिर बिल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। डॉक्यूमेंट डेट जो है डॉक्यूमेंट डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ट्रांजेक्शन टाइम में आपको रेगुलर रहने देना है। और आपको नीचे आना है बिल टू, जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं गुड्स अदर कंट्री वाले पार्टी को उसका डिटेल्स पूरा फिल करना है, यहाँ ध्यान देना है आपको। नीचे में आपको URP रहने देना है, पार्टी का एड्रेस आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। और GST IN में आपको URP रखना है क्योंकि यहाँ रजिस्टर होता है, उनके पास GST नंबर नहीं है। एड्रेस पूरा फिल करना है आपको अदर कंट्री का पार्टी का। और नीचे पिन कोड अदर टेरिटरी है तो पिन कोड 999 रहेगा आपका, पिन कोड 999 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन आपको सेम रख लेना है जो भी आप गुड्स सेल कर रहे हैं। तो मैं राहर दल दोनों जगह डाल दिया हूँ। HSN कोड ध्यान देना है कि 8-digit HSN कोड अनिवार्य है आपका अदर कंट्री के लिए, 8-digit HSN कोड आपको ईवे बिल में आपको शो करना है। अब जो भी आपका बेसिक वैल्यू आपको फिल कर लेना है अपने टेलीग्राम से देख के, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि GST रेट 0% मेरा है। आपका जो भी रिलेटेड होगा, यदि आप टैक्स इन्वॉइस कर रहे होंगे तो अपना रेट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपका कोई ट्रांसपोर्टर को डिटेल्स होगा, यदि आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं लोकल कंट्री भेज रहे हैं तो आप डिटेल दे दीजिएगा। यदि आप रेल या तो CP ये सब के अनुसार आप दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं फ्लाइट के माध्यम से भेज रहा हूँ तो एयर पर मैंने क्लिक कर लिया है। अब एयर बिल नंबर जो है मैं यहाँ पर फिल कर लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर डेट, करेंट डेट और प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, कोई गलती होगा तो आप बैक जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। दिन सारा ओके हो जाने के बाद आपको बैक पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप ईवे बिल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।